दिन आ गया, दिल उठे चेहरे सभी खुशियों का दिन आ गया। ईद मुबारक। अल्फ अल्लाह चंबे मुश्क मुचाए अंदर बूटी मुश्क मचाया, जा फुलन ते आई हूँ। जीवे मुर्शद कामिल बाहू, जीवे मुर्शद कामिल बाहू, जिस ये बूटी लाई मैं मुर्शद वेखना रजा ये तन मेरा चश्मा हो लख चश्मा एक खोला एक कजा होया, अजे भी तालब जरदा लख हजार किताबा पढ़िया पर जालिम नफस ना मरदा हूं। बाज फकीरा किसे ना मारिया, बाहु चोर अंदर दाहू, बाज फकीरा किसे ना मारिया।
वाह 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 क्या बात जबरदस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम और खुशामदीद। वैसे आगाज़ तो हो ही चुका, अब क्या फॉर्मल अल्फाज का सहारा लें इस उम्मीद के साथ कि आप ठीक ठाक हैं और खैरियत से हैं। दूसरा दिन ईद का भी आज ज़बरदस्त तरीके से मना रहे हैं और पूरा रमज़ान के 30 रोज़े साथ देने के बाद जब ईद का आगाज़ होता है और ख़ास तौर पे छोटी ईद आती है तो इससे बड़ी कोई खुशी होती नहीं है। खैर, इस उम्मीद के साथ कि आप आज का दिन भी वैसे ही इन्जॉय कर रहे हैं जैसे आप पूरा रमज़ान का महीना हमारे साथ रहे और ईद की फेस्टिविटीज़ को इन्जॉय कर रहे हैं। नाम बताना ज़रूरी है, ये है अरमान हसन। ये है इमरान हसन। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आप सबको एक्सप्रेस न्यूज़ की और एक्सप्रेसो की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक और दिल से खैर से ईद मुबारक, क्योंकि हमने पिछली बार हमारे जो ईद का थीम था वो था दूर से खैर से ईद मुबारक, क्योंकि कोविड था और कोविड में हमने दूर दूर से ईद मनाई थी। लेकिन इस बार चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक कोविड कंट्रोल हुआ और हमारी ये कोविड के बाद ईद है तो मेरे दो साल के बाद अब ऐसा है कि ईद लोग मिले भी हैं, मिल भी रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। और हमने भी इसलिए कुछ खास एहतमाम किया, आपको एक फील प्रॉपर आएगी और जब मेहमानों का तारुफ भी आपसे कराएंगे और जो कलाम भी हमने आपको सुनाया उससे भी आपको एहसास तो हुआ होगा। खैर, उम्मीद ये करते हैं कि आपकी ईद सही गुजर रही है, उसके साथ साथ दुआ ये करते हैं कि ये ईद पाकिस्तान के लिए भी ठीक हो, चुके हसबे साबिक भी कह सकते हैं पाकिस्तान में एक बार फिर सियासी रेल पेल भी है, जलसे जुलूस भी हैं, लेकिन उसके बीच में ये ईद आई है, तुम्हारी ढेर सारी दुआएं कि जो हो वो अच्छा हो। चलिए जनाब, आज के जो हमारे मेहमान हैं आप उनको अपनी टीवी स्क्रीन पर देखते हैं, जो कहने शकील किस्म के इनके सवाल होते हैं और उसके बाद जब ये सवाल करते हैं तो फिर अगला वाला परेशान हो जाता है कि हमने कैसे इसका जवाब। कभी कभी लोग उठ के खड़े भी हो जाते हैं इनके सवालों के ऊपर, मतलब बैठे भी कर जाते हैं, कभी कभी खुश भी हो जाते हैं और कभी कभी ये इनके सवाल के जो जवाब आते हैं वो वायरल भी होते हैं। वायरल भी होते हैं तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे साथ जावेद चौधरी साहब मौजूद है जी, डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन, हमारे मेनस्ट्रीम एंकर हैं, सीनियर सीनियर सहाफी हैं। ये शकील का वर्ड अरमला ऑन करती है तो उसको ये एक्सप्लेन करें। एक सिख था ना, उसको उर्दू बोलने का बहुत शौक था और उसने शकील उर्दू बोली जैसे आप लोगों ने बोली है। किसी ने कहा कि सरदार साहब माशाल्लाह आपकी उर्दू बहुत अच्छी है, तो उसने कहा अच्छी है, अभी तो मैंने लटकाने को आवेदा भी कहना था। अच्छा चले जी, हम लटकाएंगे नहीं, हम आवेदा करेंगे वो हकायक जो नॉर्मली इन एंकर्स के हवाले से आपके सामने नहीं आते। दो कैसे बहुत फॉर्मल शोज होते हैं ईद के ऊपर, लेकिन हम चाहेंगे कि कुछ आपको डिफरेंट स्पाइस जरूर मिले हमारे इन मेहमानों से। सो जावेद साहब आपको फॉर्मल वेलकम है, थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ लाए हमारे पास। देन हमारे साथ रहमान अजहर साहब मौजूद हैं जी, वंस अगेन अनदर फेस ऑफ एक्सप्रेस न्यूज, और आप इनको जानते हैं, सीनियर सहाफी हैं। हम दोनों करीब से ईद मुबारक, ये भी दोनों करीब से ईद मुबारक, ठीक है। बाकी गेस्ट का तारुफ बिल्कुल हमारे साथ नन अदर देन मंसूर अली खान, आपको भी बहुत बहुत खुशामदीद, ईद मुबारक। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस, आप लोगों को सबको ईद मुबारक, आपके व्यूज को ईद मुबारक, थैंक यू। और इसके साथ जी कॉस्मोपॉलिटन की हमारी एंकर पर्सन है मिनाहिल शेख, उनको भी हम खुश आमदीद कहेंगे। मिनाहिल, ईद मुबारक, कैसी हैं? हाय, अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को और यहाँ पे सब बैठे हुए लोगों को ईद मुबारक। और मिनाहिल के लिए मजे की बात यह है कि शी इज अ न्यू फेस, लेकिन इतने सीनियर लोगों के साथ ये आज बैठी हैं, तो आई होप कि इनका भी एक्सपीरियंस अच्छा होगा और आई होप कि जो सीनियर एंकर्स हैं उनका भी एक्सपीरियंस अच्छा होगा बीइंग विद ऑल ऑफ अस। तो हम कोशिश करेंगे जी बहुत ज्यादा कुछ हम फॉर्मल ना रखें, विद दैट हमने खाना भी खाना है, बहुत जरूरी है तो खाने के बगैर बिल्कुल नामुकम्मल से होते। आमना अलियास हमारे साथ मौजूद हैं, ये जबरदस्त शेफ है और बहुत अच्छे मजेदार पकवान बनाती है। आमना खुश आमदीद, थैंक यू सो मच, आपको भी ईद मुबारक, सबको ईद मुबारक। बाय द टाइम खाना भी रेडी हो रहा है, वैसे चिकन के साथ स्ट्रॉबेरी पका रही हैं जी, ये सारी चीजों का आज एक कॉम्बो है, हर चीज आपको मिलेगी। फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कि चिकन के साथ स्ट्रॉबेरी पकाई जा रही है, ये जब बनेगा तो हमें पता लगेगा। आमना से भी हम बात करें, चिकन स्ट्रॉबेरी हो सकता है वो डिश हो। हां सर, यू नेवर नो, यू कैन डू एनीथिंग विद फूड। वैसे जावेद साहब अभी तक नहीं है तो अभी बन के अभी बन जाएंगी। जिस तरह आप इतनी देर से देख रहे थे किचन की तरफ, कोई शगफ है आपका भी किचन में? नहीं, तौबा करें, मैं तो इस मुर्ग पे मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था कि बेचारा ठीक ठाक था और उसे नंगा करके लटका दिया आपने। वो तो देखिए उसके बगैर होता नहीं है ना, ठीक हो गया। उसके साथ साथ जी बबू राणा, इन्होंने कलाम पढ़ा, उनको भी हम खुशामदीद कहेंगे। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक, कैसे आप सब लोगों को इधर से ईद मुबारक। आज सारे मेरे जो फेवरेट लोग हैं मैं अक्सर देखता हूँ, उनके साथ में शो कर रहा हूँ। बाबर फतेह अली खान साहब जी, बबू राणा इनका बाबर अली पार्टी, इनके साथ जितने भी आप मेहमान हैं आप सबका बहुत शुक्रिया और बड़ा अच्छा आपने परफॉर्म भी किया। सो हमने एक महफिल जमाने की कोशिश की, एक स्पाइस पूरा ईद का
परीक्षा देने की आपको कोशिश की, और हम कोशिश करेंगे कि कुछ बहुत टिपिकल रखें ना, फॉर्मल सवालन जवाबन रखें ना। तो ये फ्लोर सबका है, एनीवन कैन स्पीक मेरे ख्याल में, तो स्टार्ट कर लेते हैं। मंसूर भाई आपसे स्टार्ट कर लेते हैं, हाउ इज योर सेकंड डे? एक्सीलेंट, बिल्कुल। मैं आपके जो इंट्रो में आपकी बात सुन रहा था जिसमें आपने कहा कि अब हमें मौका मिला है कि हम जरा गले भी मिल सकते हैं, लोग एक दूसरे से करीब आ सकते हैं। बल्कि मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं कि रहमान जो है ना, ये मेरे कॉलेज मेट भी हैं। अच्छा। तो वैसे हमें कभी इतना मिलने का मौका नहीं होता क्योंकि ये इस्लामाबाद से शो करते हैं तो, और मैं लाहौर में होता हूँ, तो इस बहाने आपके शो के बहाने हमें भी मौका मिला कि कॉलेज मेट्स जो हैं वो आपस में मिल सके। अच्छा। और जब चॉइस भी इस तरह इस्लामाबाद में होते हैं तो ये आपके शो के तवस्सुत से जो है हमें मौका मिला कि हम अपने सीनियर से भी जो है वो मिल सकें। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट, हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। एक्चुअली आप लोगों को इस तरह से इस फॉर्मेट पे बिठा कर बात करने का हमें एक अलग मजा आता है, क्योंकि नॉर्मली जो जिस फॉर्मेट के आप लोग प्रोग्राम करते हैं लोगों को शायद आपकी लाइटेस्ट साइड आप लोगों को खामोश बिठाने का एक अलग ही मजा। हमें तो ये हमारा आकर एहसास हो रहा था कि शायद आपको कोई और मेहमान मिले नहीं है, तो मुझे एक अपने लोगों को जरा बुला ले, तैयार नहीं है। क्या मसला क्या है? उसने कहा जी मैं 3 घंटे बकवास कर तो सकता, सुन नहीं सकता। ईद अपार्ट कैसी गुजर रही है? अब तो इस्लामाबाद के अंदर बड़ी बिजी ईदी हो गई है, बींग सीनियर जर्नलिस्ट, बींग टीवी फेस, लगता है ऐसा, चूंकि पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा जोरों पे है, टेम्परेचर ज्यादा है, तो असर होता है कहीं आपकी? अच्छा, आपने वैसे ईद के बारे में देखिएगा कि जितने बच्चे होते हैं ना वो एक्साइटेड होते हैं, जब आप भी बच्चे होंगे तो आपको बड़ी खुशी होती होगी, और उसके साथ साथ जूँ जूँ आप उम्र आपकी गुजरती जाती है तो आपके अंदर खुशी का एलिमेंट कम होता जाता है। और उसकी मेन रीज़न ये है, एक साइंटिफिक रीज़न है, कि जब आप बच्चे होते हैं तो आपकी हैरत आप में ज़्यादा होती है, और जितना आदमी हैरान होता है उतना ज़्यादा खुश होता है। और जब आप लाइफ में बहुत आगे चले जाते हैं तो फिर आपकी ज़िंदगी में हैरत कम होती जाती है, क्योंकि सारे एक्सपीरियंस हो चुके होते हैं, और फिर आपको कोई चीज़ एक्साइट नहीं करती। जब आप एक्साइट नहीं करती तो आपका खुशी का लेवल कम हो जाता है। इसीलिए ईद जो है उसका ताल्लुक बच्चों के साथ होता है हमेशा, याद रखिएगा। आप बुज़ुर्गों से सिर्फ पैसे वसूल करते हैं अपनी खुशियों के ना, और इसीलिए जितने ज़्यादा बच्चे हो गए जी, जितने जितने वो वैसे इतने बच्चे भी नहीं आते, उनको खुद देखे बुज़ुर्ग आपके हम उम्र हैं, बुजुर्ग तो आप ही हैं, मतलब हम सबको ईदी मिल रही है। आप देखें वो, आप तो वो जो राणा साहब हैं उसके बराबर है माशाल्लाह। देखिए आप आपस में आपस के चक्कर में मुझे बड़ा ना करें। नहीं नहीं आप माशाल्लाह तोड़ियां गला ना बहुत, मेरे खान साहब हैरान हुए भी केड़ी कॉमेडी शुरू हो गई। देखो लेवल थी साढ़े समझा तो बाहर है ना, जो पहले और लोग होते थे राणा ते चौधरी दोवे आ गए थे, यानी कि क्या कहने सुभान अल्लाह, बहुत मजा आ रहा वो एक्साइटमेंट आपकी कम होते जाती है। तो अभी अगर आप जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो उसका एक ही तरीका है कि आप अपनी एक्साइटमेंट को कायम रखें। कभी कभी आपको नहीं लगता कि आप बहुत लाइट बात भी बहुत सीरियस होके कहते हैं? मैं अच्छा अभी आप ये लाइट बात है, राणा साहब मुझे लगा कि एक मिनट बैठा राणा साहब दसना नहीं, मैं खाली दसा आप ही जवाब दियो। देखिए इंसान जो है ना, याद रखिएगा कि हम सब जिंदगी में 145 किरदार अदा करते हैं रोजाना, रोजाना 145 करैक्टर हर आदमी अदा करता है। मसलन जब आप उठते हैं तो आप किसी के बेटे भी होते हैं, आप किसी के बाप भी होते हैं, आपकी एक वालदा भी होती है, उसके साथ आपका एक अलग किरदार है, वालद के साथ आपका एक अलग किरदार है, बीवी के साथ आपका एक अलग किरदार है, बच्चों के साथ आपका अलग किरदार है। जब आप गाड़ी ड्राइव करते हो तो आप ड्राइवर होते हैं, ड्राइवर का किरदार अदा करते हैं। जब आप ऑफिस में आते हैं तो आप ऑफिस मैनेजमेंट का किरदार, 145 किरदार होते हैं सारे। जो टेलीविजन शो है मेरा वो एक करेक्टर है, वो जावेद चौधरी, वो सिर्फ 1 घंटे के लिए है। तो मैं जब वो 10 बजे मैं शो स्टार्ट करता हूँ तो उस करेक्टर में आ जाता हूँ, एग्जैक्ट 11 बजे मैं उससे निकल आता हूँ। तो बाकी जो 23 घंटे वो मुख्तलिफ किरदार अदा करता हूँ। तो आपने क्योंकि टेलीविजन पर देखा है तो उसमें वो सीरियस किरदार है। बहुत सारे ऐसे एंकर हैं जो 24 घंटे उसी किरदार में रहते हैं, बस एंकर ही है ना सर। हाउस जो ईद किस तरह से गुजरती है नॉर्मली फैमिली के साथ, और मुझे लगता है कि आपके बहुत सारे दीगर टैलेंट भी हैं जो मेरे ख्याल से लोगों को पता होना चाहिए। रहमान अज़र कुकिंग बहुत अच्छी करते हैं। अच्छा। रहमान अज़र पेंटिंग बहुत अच्छी करते हैं। रहमान अज़र को ट्रैकिंग का शौक है, तो रहमान अज़र की बहुत सारी अलग चीजें भी हैं जो उनकी पर्सनैलिटी के है। तो सबसे रहमान आपने कभी कोई ऐसी डिश ट्राई की है ईद में? ऐसी ऐसी वैसे कभी नहीं, कभी भी तो मेरे लिए नहीं बात। So अगर क्या है जो वजह शोहरत है आपकी कुकिंग को लेकर? कुकिंग में देसी खानों का खुद भी शौक है तो देसी खाने में बना लेता हूँ। तो वो देसी खाने आपको पता है हर कोई खा लेता है, वो जहाँ पे दोस्त इकट्ठे होते हैं वहाँ पर भी जो है वो चल जाते हैं, और वो उसमें अगर आप मसाले तेज रखें तो वो जैसा भी हो वो चल जाता है। तो ये इसकी खास बात यही होती है, लोग कहते हैं यार अच्छा बनाया आपने जो है वो जबरदस्त आपने। मंसूर भाई बात करे थे जो प्रोफेशनल लाइफ के आने के बाद, जैसे कि चौधरी साहब ने कहा कि वो
जो एक्साइटमेंट है वो कम हो जाती है, तो आपकी ईदी भी मुख्तलिफ हो जाती है। तो ये ऐसा क्या करें कि अब इस प्रोफेशनल लाइफ में रहते हुए भी ओबियसली फैमिली प्रेशर, वर्क प्रेशर, अपने स्कैजुअल्स का प्रेशर, इसके साथ हम अपनी ईद को उतना एक्साइटिंग करें? कुछ ऐसा है, हो सकता है या नहीं? अब जो है वैसे से वैसे उनके टैलेंट पूछे ना कि वो उनके कौन से किरदार हैं जो वो 8 से 9 के बाहर है। अच्छा, साथ ही एंकर जाग गए, देखा ना? यानी उनके सवाल पे तसल्ली नहीं हुई उनको। एक ऐसा करेक्टर जो करेक्टर्स की बात हो रही थी, एक ऐसा करेक्टर है जो हम तीनों में जो है ना वो एक जैसा है, एंकर का नहीं, हम तीनों में लेकिन एक जैसे, और हम तीनों को ट्रेवलिंग का बहुत शौक है। जावेद चौहान भी बहुत ट्रेवलिंग करते हैं, बहुत ट्रेवलिंग करते हैं, इनका बहुत ऊपर है शौक, काफी ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेवलिंग बहुत की है चौहान साहब। और कभी अगर कभी आपको मौका मिले, मुझे नहीं पता चौहान साहब ने ये डिक्लेयर किया है कि नहीं किया, लेकिन इनका मरी में बड़ा खूबसूरत घर है जो इन्होंने बड़े बड़े ही शौक से बनाया है, क्योंकि इनको पहाड़ी इलाके का भी बहुत शौक है। रहमान को आपने खुद बताया कि इनको भी ट्रेवलिंग का बहुत शौक है, इसी तरह मुझे भी जो है वो हर 3-4 महीने के बाद, ये केटू तक गए हुए हैं, मैं हर 3-4 महीने के बाद जो है वो इसी तरह ट्रैवलिंग के लिए निकलता हूँ। K2 बेस कैंप भी जा चुका हूँ, मैं नागा पर्वत बेस कैंप भी जा चुका हूँ, तो अब माउंट एवरेस्ट की भी एक अटेम्प्ट करेंगे। ये दो डिफरेंट कैटेगरीज हैं, ट्रैकिंग एंड ट्रैवलिंग, तो ट्रैवलिंग टू एक्सप्लोर न्यू और ट्रैकिंग ऑब्वियसली इज एंटायरली डिफरेंट जॉब, तो ज्यादा क्या पसंद है आपको? ट्रैकिंग, जहाँ से गाड़ी आगे ना जा सके और यू हैव टू वॉक। अच्छा, वैसे एक और चीज मैं बताऊं, अगर क्योंकि मैं ट्रैवल करता हूँ तो चौधरी साहब जो है ना वो गाइड भी बड़े अच्छे हैं। मैं 2-3 जगह जो मैं मोरक्को गया, सब इनसे मैं पूछ की गया, मैंने कहा जी मुझे आप बताएं कि जाना कहाँ कहाँ है, और इनकी जो सारी रिकमेंडेशन थी वो सारी की सारी जो है वो ठीक थी। हाँ, गाइड सिर्फ ट्रैवलिंग जा जा सकता है, पूछा जा सकता है। ये चौहान साहब हुकूमत साजी के वाले से भी बड़े अच्छा, मुझे समझ नहीं आ रही कि आप जुगत करवा रहे हैं, ये तारीफ कर रहे हैं, उन्होंने करनी है, ये सीरियस गुफ्तगु कर रहे हैं, वो हंसी जा रहे हैं ऐसे ऐसे करके। आप सब हजरात में एक खातून काफी देर से खामोश है, उनकी बात की डीप एडिंग कर उनकी बात। नाइल आप बताइए आपकी ईद कैसे होती है, खासतौर पे स्क्रीन के ऊपर आने के बाद थोड़ी सी अच्छी इस सेंस में हो जाती है कि थोड़ी फैमिली वैल्यू बढ़ जाती है, फ्रेंड्स के अंदर भी वैल्यू बढ़ जाती है, यू आर अ स्क्रीन फेस, माशाल्लाह, कैसी होती है आपकी? अच्छा, सबसे पहले तो जो जावेद सर ने कहा, मतलब मेरी ईद तो बहुत अच्छी गुजरती है इन तीनों में, हां, क्योंकि ईद ही मुझे मिल रही होती है अच्छी, वो इनका माइनस हो गया अभी उस एज ग्रुप में है, वो अपने साबित करना चाह रही बची हैं वो, तो ईद ही वाला फैक्टर बहुत अच्छा होता है। और ईद मतलब एक पूरा त्यौहार होता है हमारा, आपने रोजे रखने के बाद आप खा सकते हैं, आप लोगों से मिल सकते हैं, और अब मतलब 2 साल के बाद 500 वाला जो नोट होता था ना वो बहुत बड़ी ईदी होती थी। अब आप देख कर देखें, और हम उस रिश्तेदार का इंतजार करते थे जो 500 पे हमारे टाइम पे। अच्छा, तो मतलब पुराना टाइम तो मुझे अब लगता है कि क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई है तो 15-20 हजार से कम तो आजकल का बच्चा, 5 हजार के नोट को आया 2 साल हुए अभी तो नहीं, लेकिन वैल्यू बढ़ गई है, इन्फ्लेशन बढ़ गई है। कितनी ईदी होती है जो लगता है कि अच्छी ईदी है? मतलब किसी से भी लेनी हो तो एटलीस्ट 1000 रुपए तो उन्हें देने चाहिए ना, वहां से शुरू होनी चाहिए। 5000 इन बच्चों का ज्यादा होना चाहिए। आप हमारे साथ हमारे एंकर पर्सन मौजूद हैं, आप इनकी लाइटेस्ट साइड तो देखें पर्सनालिटी की, इनसे हम बात भी करेंगे और बहुत सारी जो कह लें इनकी और एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे जो लोगों को नहीं पता। और कवाल तो हमारे साथ है ही, बबू राना और उनके हमनवा, उनसे भी हम कुछ सुनेंगे, लेकिन वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप हमारे साथ ही रहिए और देखते रहिए ईद स्पेशल। आ गया ईद का दिन, आ गया दिल से खैर से ईद मुबारक। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, वैसे अब मैं ज़रूर बहुत क्यूरियोसिटी हो रही थी मुझे कि बहुत सारी ऐसी आपकी प्रोग्राम में मोमेंट्स होते हैं जो आप सोचते हैं कि मुझे ये ज़िंदगी भर याद रहेगा, तो हमारे पास इतने सीनियर एंकर्स हैं, इनसे हम जानते हैं कि इनके साथ कभी कोई ऐसा वाक्य पेश आया हो। मंसूर, कुछ तो हमने भी देखे हैं जो हमें इनके हवाले से याद रहेंगे। मंसूर आप बताइए। मंसूर, ये बड़ा औखा सवाल है, मतलब कोई एक वाक्य जो आपको लगता हो कि आपको याद रहेगा। मुझे याद रहेगा, मैंने इमरान खान साहब का इंटरव्यू किया था, तो जारी बात है वो मैं उनको मेरे कप्तान कह के पुकारता था। तो वो जब मैं पीएम हाउस पहुंचा तो उन्होंने मुझे कहा जी प्राइम मिनिस्टर साहब आपसे मिलना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा पता नहीं किस लिए मिलना चाह रहे हैं, इंटरव्यू शुरू होने से पहले। तो मैं उनके ऑफिस में, मुझे वो ले गए जिस कमरे में रिकॉर्डिंग थी उसके साथ वाला कमरा उनका ऑफिस था, वहाँ पर ले गए। तो मैं जब जाके बैठा तो उन्होंने, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो बात स्टार्ट होगी, वो पूछेंगे हाँ जी क्या टॉपिक्स हैं, किस चीज़ पे हमने बात करनी है, समथिंग लाइक दैट। तो उन्होंने मुझे कहा कि हाँ मंसूर क्या कि किस किस टॉपिक में बात करनी है। मैं कह सर एक चीज़ आपसे पूछनी है। कहते क्या? मैंने कहा जी मैं आपको मेरे कप्तान कहता हूँ, माइंड तो नहीं करते? तो ही वॉज वेरी ग्रेशियस इनफ, ही सर नहीं नहीं मैं बिल्कुल माइंड नहीं करता। मैं चलो ऑन एयर भी बात हुई थी कुछ जी, वो एक्चुअली मैंने डिलिबरेटली, मैंने कहा ऑन एयर भी लोगों को भी पता लग जाए कि माइंड नहीं, क्योंकि पीटीआई के लोग बहुत नाराज होते थे
कि जी आप क्यों कहते हैं इनको? Okay. अच्छा। तो जिनको मैं कहता जब उन्होंने कह दिया कि माइंड नहीं करते तो फिर बात ही खत्म हो गई। और आपका मेरे कप्तान तो वैसे बड़ा मशहूर है, हर कोई हम भी अक्सर शो में कहते हैं। जी जी जी, वो ट्विटर पे बड़ा मशहूर है। अच्छा रहमान साहब, कोई एक मेहमान जो आप समझते हैं कि काश मैं कभी ना बुलाता इनको? मुश्किल सवाल है, आई नो। हाँ, मेरा ख्याल है आपको एक बड़ा पुराना वाकया याद होगा, इस्लामाबाद में एक शख्स था सिकंदर, उसने जी 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 बिल्कुल जो जिना एवेन्यू है उसके ऊपर अपनी फैमिली को एक हॉस्टेज बना लिया था। तो उसकी हम कवरेज कर रहे थे, मुझे बिल्कुल पता नहीं था, तो मैं ऑन एयर था। अच्छा। तो और ये मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था, तो जो पैनल थे वहाँ पर किसी को जो है वो उसका नंबर मिला और उन्होंने कॉल मिलाई, और उन्होंने कॉल मिला के डायरेक्ट जो है वो कॉल उसी वक्त जो है वो मुझे थ्रू कर दी। अच्छा। और मैं उस वक्त ऑन एयर था, और उन्होंने मुझे कहा कि, और हम उसी की बात कर रहे थे कि कवरेज चल रही थी मुसलसल, तो उन्होंने कहा ये सिकंदर जो है वो आपके साथ इस वक्त लाइव ऐसे बात करें। अच्छा, ये इतना कहे कि वो पैनल वाले आमतौर पर इसके बाद गायब हो जाते हैं, क्योंकि जहरी बात है आप ऑन एयर होते हैं। तो उससे खैर फिर मैंने बात की, क्योंकि जहरी बात है जो है वो तकरीबन कोई 7-8 मिनट जो है वो उससे बात की, उससे पूछा मैंने कि क्या है क्या नहीं है, क्यों कर रहे हो ये सब कुछ। लेकिन वो बड़ा जो था उस वक्त बड़ा एक सेंसिटिव सा माहौल, बहुत सेंसिटिव, क्योंकि उसने अपनी फैमिली को जिसमें उसकी बच्ची भी शामिल थी उसको हॉस्टेज बनाया हुआ था। अच्छा, इसी वाक्य से कनेक्ट जो है ना, एक वो है कि वो जो सिकंदर था उसको जब गोली लगी थी वो उससे पहले वो मेरे साथ था शो में, और शो में था बल्कि उसकी बीवी जो थी उस सबसे पहले उसको हमने कॉल मिलाई थी, और वो बात कर रही थी, बल्कि उसने बड़ी बदतमीजी भी की ऑन स्क्रीन, उसे कहा कि हमारी बात भी सुनो तुम अपनी बुड़बुड़ करते रहोगे। अच्छा। करके अच्छा। लेकिन वो ये होता है कि स्क्रीन के ऊपर जब इस किस्म का गेस्ट को आपके साथ बदतमीजी कर रहा हो ना, तो आपने पेशेंस दिखाना होता है, क्योंकि वो बेसिकली ड्रैग कर रहा होता है आपको कि आपने आपको इशू से हटाने के लिए, तो उसको ये होता है कि इग्नोर करके मैंने फिर उसको दोबारा सवाल किया। उसके बाद फिर वो सिकंदर और वो सारे लगे रहे जी, और मीनवाइल जूँ ही इस दौरान इस तरह की पुलिस, क्योंकि उनकी डाइवर्ट हो गई थी उनकी तवज्जो किसी और तरफ, तो पुलिस उनके करीब पहुंच गई और सब लोग करीब पहुंच गए, और जूँ ही उसकी कॉल कटी तो साथ ही फायर हो गए। लेट्स सपोज सारे मेहमान जावेद साहब कहीं बिजी हो गए, सब मेहमान सब पॉलिटिशियंस, देयर इज जस्ट वन गेस्ट यू कैन इन्वाइट फॉर 30 डेज इन योर शो, कि 30 दिन इन्हीं के साथ प्रोग्राम करना है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपको घगरा पहनना पड़े तो किस किस्म का पहनेंगे, वो मुमकिन नहीं होता, क्योंकि पॉलिटिकल शो में ये होता है नहीं, गेस्ट चले गए ये कैसे हो सकता है, पॉलिटिकल हैपनिंग है, ये तो हो ही नहीं सकता, साडे गेस्ट चले गए सारे, गेस्ट चले गए। इमरान खान, क्योंकि इमरान खान साहब जितना वेस्ट को जानते हैं पाकिस्तान को जानते हैं हर, नहीं वो तो रोज शो कर रहे हैं ना, वो तो नहीं इमरान रोज ही एंकर नहीं सर, अच्छा नहीं वो मैं पॉलिटिशियन की बात कर रहा हूं, पॉलिटिशियन इमरान खान तो रोज रोज 3 वक्त शो कर रहे हैं, मैं वही कह रहा ना सर, उनसे बेहतर गेस्ट कौन होगा। हां नहीं, लेकिन आप घगरे की बात की, तो ये घगरा में अक्सर तो पहनना ही पड़ता है कई लोगों की सूरत में जी, और रेटिंग उनकी है, रेटिंग उनकी है। आपकी आपकी भी चॉइस इमरान खान ही होंगे, आपको कुछ ना कुछ जो है वो बता कर जाते हैं। चले आप बहुत बातें हो गई, अब ये बब्बू राणा हमारे सामने बैठे हैं, चोरी साहब का जवाब ही नहीं आया, वो नहीं देंगे, वापस सवाल करेंगे, इनका तजिया सुनते हैं, इनका सुन लेते कुछ आप सुना। मेरा तजिया यही है इस वक्त, मुझे लग रहा है कि वो मस्कीन बेचारा तिना च फंस गया है, माशाल्लाह बड़े साढ़े नाने सीनियर हमारे जितने भी ना उनका पास बैठना ही बुजुर्ग कहते हैं कि वो निस्बत होती है, तो माशाल्लाह ये पाकिस्तान भी बुढ़ा ना बना दे, बस रुकी हो गया। नहीं नहीं, ताड़े को 10 साल छोटे हो आपसे, आपसे हमारी मोहब्बत बहुत ज्यादा है, यू आर वन ऑफ द वेरी गुड एंटरटेनर्स, और जब भी आप आते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है, और आपका ये रूप हमें और भी अच्छा लग रहा है कि एक नए एग्जैक्टली आपको रूप में देख रहे हैं, और ये आपका शौक हमेशा तो था लेकिन अब आपने इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया है, तो कैसा लग रहा है, कैसा चेंज आई है? मेरा एक ख्वाब सी कह लो कि क्वाली मेरा शौक सी शुरू से, मैं क्वाली भी करा, फिर अल्लाह को मंगदा सी मैं दुआ के, या अल्लाह आप खुद ही सीन बनाएंगे कुछ, वो अल्लाह ने फिर बनाता है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, में बड़ा अच्छा फील हो रहा है। और ये बतौर बाकायदा एक ग्रुप के साथ आप कब से कर रहे हैं जो प्रोफेशनली, पहले शो किया तो आप करते रहते थे मेरे ख्याल? मैंने प्रोफेशनल 2008 में 2 साल की क्वाली, 2008 से 10 तक। अच्छा। फिर मैं छड़ती, बंदे ने टीम नहीं नाल जुड़ी, कुछ उदो बहुत स्ट्रगल सी, दिल करे अपने को भी पैसे नहीं सी होंदे, टीम नु कित्थों देने, ते हुण आ गए ने, नहीं टीम दे रही है, टीम दे रही है, ये देखो मैनू भी
ਪਿਛਲੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਨੇ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ ਮੈਂ ਦੋ ਵਾਜੇ ਲੈ ਲੈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਯਾਰ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਆ ਕਰੇ ये बहुत दिल पे लगी है आपके वैसे मैं और उन्होंने जिवे पूछा हूं आ गए ने ये बहुत दिल पे लगी है बाबू राणा के चलिए हमारे अपने ब्रेकर में दोनों बाजे बेच के तो तनख्वाह दे दें नहीं है आदम एतमाद तो बाद आए ने कि पहले दे सी ताजी बात चाहे नहीं ये साजिश में शामिल है साजिश में शामिल है कौन पैसे लिए बाहर से अमेरिका से बाजे लिए दादा बस तोशा खाना तो नहीं है ये भाई तोशा खाना तो नहीं है गोशा खाना तो आप लोगों को नाजा हो गया होगा कि यहां पे पॉलिटिकल शोस के एंकर्स बैठे हैं इन्हें लग रहा है क्वाल पार्टी जड़ी ना इमरान खान की पार्टी लग रही है इन्हें वेस्ट टाइम अच्छा ब्रेक ले लेते हैं ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं आप देखते रहिए एक्सप्रेसो ईद स्पेशल आ गया ईद का दिन आ गया दिल से खैर से ईद मुबारक मेहमानों से हम बातें करें लेकिन साथ साथ कुछ खाने की खुशबू भी आ रही है और बहुत ही कुछ मजेदार खुशबू है किस चीज की है आज ये मैं चिकन टिक्का बना रही हूँ आपको पता है ईद की जरा मुनासिबत से कुछ खाना भी थोड़ा रॉयल फैंसी होना चाहिए हमारा इसके साथ हम बनाएंगे मसाला राइस है टिक्का बिरयानी ये बेसिकली हमारा एक मेन कोर्स बन जाएगा ठीक है इसको मैं आपके सामने मैरिनेट करती हूँ बिल्कुल सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ है कुछ इसमें एक्स्ट्रा ऐसा नहीं है कि कुछ मुश्किल हो साथ हम बनाएंगे जी मखंडी शाही हलवा बन रहा है मखंडी शाही जी ये कुछ थोड़ा सा स्पेशल है और इनके शाही हलवे के हवाले से जो फैक्ट हमें पता चला है कि ये अवार्डी आफ्ता हलवा है कोई आम हलवा नहीं है इस पे इनको अवार्ड मिल चुका है और सर इस अवार्ड के हवाले से भी बता रहे हैं सियासी लोग बैठे तो ये डिग्री आफ्ता है असली डिग्री है ओके ओके और ज्यादा बनाना प्लीज वेयर लो पीछे की जी जी उसकी फिक्र ना करें इतना ना बना लेना ठीक है ओके पहले मैं आपको चिकन की मैरिनेशन बता देती हूँ आपके सामने जस्ट ये मेरे पास एक 1 kg रॉ चिकन है इसमें मैंने ये योगर्ट लेंगे हम योगर्ट ऐड किया ओके जी बाकी सिंपल ये इसमें आप रेड चिली है सॉल्ट है और ये टिक्का मसाला ले लें या मिक्स स्पाइस ले लें कुछ भी जस्ट इसको मैंने ऐड करके इसके अंदर इसको हमने मैरिनेट करके और इसको अब आप जरूरत नहीं है कि आप इसको चूल्हे पे करें या कि मैं इसको बेक भी कर सकती हूँ इसको आप पैन में भी बना सकते हैं बहुत अच्छा ये स्टीम रोस्ट की तरह तैयार हो जाएगा ठीक है इसको मैं मैरिनेट करके इस पर जाती हूँ दूसरा मैं कह रही हूँ मैं आपको हलवे का बता दूँ बिकॉज यहाँ सबको बहुत जल्दी है यार तो मैं चाह रही हूँ कि हलवा आ जाए ये जस्ट सूजी है इसको मैंने ड्राई रोस्ट किया है ड्राई रोस्ट इसको मैंने कर लिया अब मैं इसमें ये देसी घी है मेरे पास Okay. मैं इसमें इसके अंदर इसको देखो सबर का फल मीठा होता है तो अब ये होने लगा है तो इंशाल्लाह अब ये इसके अंदर इसको मैंने रोस्ट करके ठीक है दूसरी इसकी स्पेशलिटी ये है जनाब नट्स आप लोग देख रहे हैं आपके सामने है ये इसमें पानी बिल्कुल नहीं जाएगा ये टोटली दूध में बनेगा अच्छा वैसे तो सूजी का जी 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 ऐसे ही है नहीं इसके अंदर ये है कि ये दूध में बनता है इसके अंदर अंडे इसके अंदर यानी काफी ये हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्दी है और इसकी फिर सिर्फ भूनना ही है काफी इसको अच्छा सा भूनना है हलवा यहाँ बन रहा है नहीं नहीं सर ये आप क्वान्टिटी की फिक्र ना करें क्वान्टिटी बहुत मिलेगी आप जी अच्छा ये बड़ी खुश शक्ल सी कोई हलवे पे क्यों निकलता है क्या वजह कोई खास वजह भाजी ये हो जाए हलवा यार मुकद्दर या नसीब इस तो सुभान अल्लाह साडे घर ही सीधा हलवा बनदा पानी ते हलवा पानी ते हलवा हां जी पानी होती है नहीं तो देसी घी आसपास घी वगैरह नहीं गुजरता कोई घी लगाई दा उतना ही सुगाई दा नो सही है अच्छा ये खुश शक्ल स्ट्रॉबेरीज के बारे में बता रही है स्ट्रॉबेरीज है स्प्रे ज रखते यार सारों का असर वाइब्स मुझे लग रहा है यहाँ तक आ रही है मुझे खाना बन रहा हो ना तो एक वैसे ही तबीयत में जो है ना फ्रेशनेस आ जाती है ये आपके सामने है देखें आप लोग स्ट्रॉबेरीज हैं स्ट्रॉबेरीज के साथ आजकल आपको पता है सीजन में काफी ज्यादा है रमजान भी गुजरा है अभी रिसेंटली तो इसके लिए मैंने ना स्ट्रॉबेरीज ली है इसके साथ ही मैं बना रही हूँ स्ट्रॉबेरी डिलाइट बन रहा है ठीक है ये साथ में जस्ट क्रीम और मैंने ले ली है स्ट्रॉबेरी जेली बिल्कुल सिंपल है कुछ भी इसके अंदर मुश्किल नहीं है स्ट्रॉबेरी जेली बना के और क्रीम व्हिप क्रीम को मैंने उसके साथ मिक्स कर जी जस्ट उसकी लेयरिंग कर दी है मैंने अब इसके अंदर ये जस्ट है कि यार जो भी अवेलेबल है आप डाल के क्योंकि बेसिकली मैं बना रही हूँ स्ट्रॉबेरी मिंट मार्गरीटा ठीक है तो स्ट्रॉबेरीज मैं ला रही थी तो मैंने कहा उसके साथ एक और स्ट्रॉबेरी ज्यादा ले जी हर शहर में स्ट्रॉबेरी पाक काफी हो गया स्ट्रॉबेरी के ऊपर तो खाना जल्दी बना बना है नॉर्मली जिस तरह से अभी हम खाने की बात करें लड़कियों को शौक होता है डू यू कुक
नहीं मतलब फिर मैं उन लड़कियों में से जिनको बिल्कुल शौक नहीं होता, अगर मैं कभी किचन में चली जाऊँ तो मतलब मुझे निकाला जाता है कि मैं बहुत ज्यादा गंद मचाती हूँ, तो मतलब मुझे क्यों निकाला। अभी मतलब ये हलवा बन रहा है, देखिएगा अब खुशबू आई है। सब ईद का जो खाना यूजुअली होता है खास तौर पे पंजाब के अंदर तो मुझे पता है, बाकी भी शायद सूबों में होता होगा, हलवा इज एन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, लाजमी बनता है घरों में। पंजाब में बहुत ज्यादा, पंजाब में ज्यादा वो एक ही स्वीट डिश होती थी उसको कहते हलवा। पंजाब बड़ा सूबा ना गुड़ होता है नहीं पुराना, सबसे जो कम खुराक है ना वो बेसिकली पंजाब की है। पंजाबी कम खाते हैं आप? ये प्रॉब्लम ये था पंजाब का, क्योंकि ये गुजरगाह थी ना, वहाँ से जब वो फौज भी आती थी सेंट्रल एशिया से वो पंजाब से होकर जाती थी, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं थी, तो जहाँ पे स्टेबिलिटी ना हो वहाँ पे कुजीन इतनी जल्दी डेवलप नहीं होती, कुजीन वहाँ पे डेवलप होती है जहाँ पे स्टेबिलिटी हो, तो पंजाब में स्टेबिलिटी नहीं थी इसलिए हमारा कोई अच्छी खुराक नहीं थी पंजाब में। अच्छा तो क्या होता, ज्यादा से ज्यादा वो साग खा जाते थे, मकई की रोटी, यानी मकई की रोटी का मतलब ये गंदम थी ही नहीं या बहुत कम थी, तो वो मकई की रोटी बना ली उन्होंने और उसके बाद लस्सी पी ली और वो मक्खन, और इसके मतलब बाद कोई लग्जरी नहीं थी, जरूरत थी क्योंकि यहाँ पे गंदम नहीं होती थी, गंदम कम थी, और उसके अलावा जो स्वीट डिश थी उसमें गुड़ था, गुड़ खाते थे लोग और बहुत बड़ा कमाल कर लेते थे, गुड़ का हलवा बना लेते थे, तो वो बस इस तरह था। और अगर फर्ज करें स्टेबिलिटी होती तो शायद हमारे पास भी बड़ी वैरायटी। तो अब क्या हमारी जो शहरी जिंदगी है उसमें भी ये हलवा ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं या नहीं? नहीं, नहीं, बच्चे नहीं, तो अब घर में नहीं खाते, स्वीट्स पे चले गए लोग, अब ये मिठाई पे चले गए, बच्चों के लिए इसलिए ये हो गया और बड़ों के लिए हलवा, बच्चे तो यहाँ है ही नहीं तो ये किसके लिए। तो बब्बू साहब ये जो खान साहब लोग होते हैं इनका कोई खाने से खास रगबत है? एक अजीब सी चमक आ जाती है खाने को देखती ना, नाम लेती है, लगता है कि जैसे कोई बाहर आ गई आपकी जिंदगी में, क्या वजह है इसकी? किडनी लगा यार बाहर आ गई। और अच्छा खाना हर बंदा पसंद करता है, कई लोग के खा लेते हैं, कई बेचारे बाजे लोग के खा जल साहब माशाल्लाह अच्छी खुराक अच्छा ज़ेन, असी दाल खा के दाल वाली गल्ला नहीं, वैसे अच्छी खुराक उनकी सेहतमंद आप ज्यादा है उनसे, ये कैमरे की सफाई है, पैसा आ गया ना। अच्छा मंसूर आपने कभी घर में कुकिंग की है? नहीं बिल्कुल कोई, लेकिन आप तो ट्रैकर हैं, ट्रैकिंग तो जो लोग करते हैं वो जब हमारा ग्रुप जाता है तो उसमें कुक साथ जाता है। अच्छा, और अगर वो मैंने कोशिश भी की तो फिर मेरा ही बेड़ा गर्क होगा उसके अंदर, बिल्कुल दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन मैं बीइंग एन एंकर एक सवाल ज़हन में आया था, ये थोड़ी देर पहले इन्होंने एक ग्लव पहना था, वो ग्लव उन्होंने खैर उतार दिया। जी जी, ये हमारे बच्चे की कमी है, मैंने उस साथ को मैरिनेट कर लिया था, उतार के पका दिया उन्होंने सर, वो चूहे के पास नहीं लेके आना था ना, तो उसके हम साथ से मैंने मैरिनेट किया एंड देन वो मैंने उसको डिस्कार्ड कर दिया, क्योंकि नजर हमारी उधर ही फिट है। जी जी जी, ये तो तुम्हें पता जादू वाला हलवा बनना, पैन छोटा है लेकिन बनेगा ज्यादा, ये आप देखिए खैर जी आप देख रहे हैं दिल से खैर सीद मुबारक, और हमारे मेहमान भी हमारे साथ हैं, खाना भी हमारे साथ है, हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। आ गया ईद का दिन आ गया।